सर जबलपुर का डायरेक्टर, चूँकि 2020 एकदम पास में है और आपकी परीक्षा मार्च में स्टार्ट होने वाली है, कुछ की तो फरवरी में ही स्टार्ट हो गई है, और जैसे आपका यूपी बोर्ड है तो वहाँ आज से ही पेपर्स होने शुरू हो गए हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन फोबिया से बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से आप 8 घंटे बेहतरीन सोइए, बेझिझक मस्त नींद लीजिए। अब आपके पास बचते हैं 16 आवर्स, उस 16 घंटे में 4 घंटे मैं आपको और खेलने के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना। 16 आवर्स में से 4 आवर्स बचते हैं आपके पास 12 आवर्स, उस 12 आवर्स में क्या करिए आप 3 आवर्स आप जिस भी कोचिंग जिस भी विद्यालय, और अगर कहीं सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में 3 घंटे डेली, आपने जो टोटल 9 घंटे आपने प्रैक्टिस किया है उसको 3 घंटे आप क्या करिए सॉल्व करके देखिए। देखिए एग्जाम में जब आप जाते हैं अगर आप बिना सॉल्व किए गए हैं तो फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो जिस पॉइंट पे आप रुके हो उस पॉइंट से आगे आप नहीं बढ़ोगे, इसलिए आप प्रैक्टिस पूरी करके जाएं। जो भी आपके पास सैंपल पेपर्स हैं अरिहंत के हों ओसवाल के हों या साहित्य भवन के हों या परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन जो भी हो उससे आप क्या करें 4 से लेकर 5 कम से कम सॉल्व करें पेपर्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम में फेल होना सबसे कठिन है, आज का जो पैटर्न है उसमें फेल होना बहुत कठिन है और पास होना बहुत सरल। तो आप क्या चाहते हैं आप फेल होना चाहते हैं, फेल होने के लिए तो आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको कोरी कॉपी छोड़ के आना पड़ेगा। अब आप अगर चाहते हैं कि पास हो जाए तो बहुत सरल है, आज का जो CBSE का पैटर्न है केवल आप क्या करें हर क्वेश्चन में गिवन टू फाइंड फार्मूला और 1-2 स्टेप भी अगर आप लिख के आते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अब रही बात टॉपर्स की, जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका अगर 1 क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया तो उनको नींद नहीं आती, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो वैल्यूएशन है वो नंबर नहीं है, आप नंबर से भी बहुत आगे कुछ है, तो आप क्या करें एग्जामिनेशन में जो जब जाते हैं पेपर देने तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप क्या करें जो सबसे सरल क्वेश्चंस हैं उनको आप क्या करें सॉल्व करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप क्या करते जाएं आगे बढ़ते जाएं। अच्छा जब आप पेपर का एक पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो आप में एक इंटरनल एनर्जी आती है, और वो इंटरनल एनर्जी क्या करती है जो क्वेश्चन आप रुक गए हो जो आपसे नहीं सॉल्व करते बन रहा है वो भी बन जाता है। तो पुनः आपको 2020 की शुभकामनाओं के साथ आप बेझिझक जाएं एग्जाम दें, एग्जाम का पैटर्न बहुत सरल हो गया है और बहुत अच्छे से पेपर दें। आपके शुभकामनाओं के साथ मैं BD शुक्ला।